फ्रेंड जय माता दी, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चौकी की स्थापना कैसे करते हैं। मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी तो मैंने पूरा प्रॉपर वो दिखाया था। आज मैं सिर्फ आपको ओरली बताना चाहती हूँ कि चौकी की स्थापना कैसे करते हैं। सबसे पहले हम चौकी की स्थापना जब करते हैं तो हमें एक दिन पहले ही सारा प्रॉपर सामान हमारा लेके आ जाते हैं घर पे, ताकि हमें किसी चीज की जरूरत हो पड़े तो हमें दिक्कत ना हो। तो हमें सामान क्या लेके आना, सबसे पहले तो सामान हमें सबसे पहले चाहिए सामग्री। सामग्री हम कैसे बनाते हैं और सामग्री में क्या क्या डालते हैं, तो सबसे पहले यही बात आ जाती है। तो सामग्री जब हम लेते हैं ना, तो उसमें एक तो मिला ही हुआ आता है, वो हम यूज कर सकते हैं पर वो काफी टाइम का होता है। तो हमें ऐसी ताजी सामग्री लेके आए और उसके अंदर हम डालें, मतलब जो डाले, चीनी डाले और काले तिल डाले, गुगल डाले, लुभान डाले, और ये पांच चीजें हम ये डाल सकते हैं इसमें और ये हमारी सामग्री घर पे ही रेडी हो जाती है। और घी डालें, घी जरूर डालें उसमें, तो उसको गर्म करके और घी उसमें जरूर डालें, तो ये हमारी सामग्री रेडी हो जाती है घर पे। सबसे पहले तो हमारी सामग्री की बात हुई, फिर उसके बाद आती है उसकी लकड़ी की बातें, जो हम हवन में यूज करते हैं। हम हवन भी करते हैं छोटा सा, जो हम उसमें आहुति देते हैं, सामग्री डालते हैं, कपूर डालते हैं, उसके लिए हमें लकड़ी की जरूरत पड़ती है। तो हम लकड़ी लाते हैं और कंडे जो उपले होते हैं में वो भी यूज करने चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध होते हैं, तो हम वो भी लाके रखते हैं। और बाकी का जो सामान जो होता है, लौंग होता है और सुपारी होती है और ड्राई फ्रूट्स जो पंचमेवा हम डालते हैं वो होता है, तो पंचमेवा में आप कुछ भी ले सकते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, चिरौंजी और मखाने, ये पांच आप चीजें ले सकते हैं जो हमें आहुति में डालने होते हैं। लौंग तो होता ही है और मीठा जरूर डालते हैं हम, थोड़ा सा बताशे, मतलब बताशे मंगा लेते हैं तो थोड़ा सा तोड़ के हम बताशे भी डालते हैं। तो ये भी हो गया एक उसका जो हमें सामान हमें चाहिए पूजा की चौकी की स्थापना के लिए, सुपारी। और एक सुपारी जरूर लाते हैं हम, पूरे नौ दिन सुपारी का यूज करते हैं, डेली एक सुपारी हमें चाहिए। और एक पान का पत्ता, हम डेली माता रानी को भोग लगाते हैं तो पान का पत्ता में हम इसमें इलायची और सुपारी रख के माता रानी को भोग लगाते हैं। ये हमारा भोग का हो गया है, सामग्री का भी हो गया है और आहुति जो हम लौंग वगैरह डालते हैं वो भी हो गया है। तो ऐसे करके हम सारी सामान की व्यवस्था कर लेते हैं। आम की लकड़ी लाते हैं वो भी, और हम इस टाइम पे जैसे अक्टूबर का टाइम होता है तो सांझी भी रखी जाती है, मार्च के टाइम में हम उस टाइम पे सांझी नहीं रखी जाती तो सांझी भी लाते हैं, तो उनको भी करना होता है। पहले हमें साफ सुथरा अपने मंदिर को अच्छे से साफ कर देना चाहिए, ताकि कोई भी मतलब डस्ट वगैरह कुछ मतलब गंदगी ना रहे मंदिर में। अच्छे से गंगा जल से छिड़क लेना चाहिए पूरे अच्छे से, और उसके बाद हमें माता रानी की अच्छे से वस्त्र पहना आने चाहिए। उनकी चुन्नी आपके पास ना ला सको तो नई चुन्नी भी लानी चाहिए। और उसके बाद में हम चौकी की स्थापना करते हैं, तो चौकी पहले हम चौकी को अच्छे से साफ करके गंगा जल छिड़क के तो चौकी रखते हैं, उसके पर लाल कपड़ा बिछाते हैं और फिर अपनी माता रानी को उस पे विराजमान करते हैं उस पे, ताकि हमारी माता रानी उस पे नौ दिन तक उस चौकी पर रहे। तो हमें उस माता रानी की फोटो रख देते हैं जो भी आपके पास हो, और उसके बाद उसके साइड में हम रखते हैं कलश जो होता है मेन कलश रखना। तो हम सबसे पहले उसके लोटे के नीचे चावल रखते हैं हल्के से, उसके बाद कलश रखते हैं, उसके पर आम के पत्ते रखते हैं। आम के जो पत्ते होते हैं एक भी टूटा नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए आम के पत्ते, तो वो हम पत्ते रख देते हैं। और उसके बाद हम उसके ऊपर नारियल रखते हैं। नारियल रखने का सबसे मेन तरीका जो है वो है, जो उसकी जो डठल होती है ना वो अपनी फेस की साइड होना चाहिए, क्योंकि जो डठल होती है वो ही सही माने में सही तरीका है। और उसको ऐसे करके रखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में कि मैंने किस तरह से रखे हुए हैं। और अभी मैं सोचा पहले आपको बता देती हूँ प्रॉपर तरीके से, फिर आपको दिखा भी देती हूँ। तो हमें ऐसे करके रखना चाहिए उस पर चुन्नी लपेट के, और अपनी तरफ को डठल का मुंह होना चाहिए, चोंच की तरफ कभी ना रखें, ना उसको ऊपर की साइड रखें, ना ऐसे रखें, सिर्फ ऐसे रखें जो उसका डठल अपनी साइड में हुआ है। तो हमें ऐसे रखना है और उसके बाद में हमारी माता रानी विराजमान हो गई है, हमारे कलश स्थापना हो गया है। फिर हम अखंड ज्योत रखते हैं। अखंड ज्योत को हम एक उसमें जो ज्योत होती है उसकी हम कलावे से बत्ती बनाते हैं। हम रेडीमेड भी बत्ती ला सकते हैं और घर में भी हम बत्ती बनाते हैं, तो हम ज्यादातर घर में बनाते हैं। हम वो जैसा आपका ज्योत हो ना उसके हिसाब से बत्ती बनेंगी। तो मेरा ज्योत बड़ा है तो मैं उसके हिसाब से बत्ती बनाती हूँ, आपका छोटा है तो आप उसके हिसाब से बत्ती बनाते हैं। और घी हम देसी घी का यूज करते हैं,
क्योंकि शुद्ध वही माना जाता है देसी घी, तो हम गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिला तो ये भी चल जाए, भैंस का हो वही होता है, गाय का तो बेस्ट ही होता है खैर, लेकिन हम देसी घी यूज करते हैं जोत, अखंड जोत के लिए। और उसके बाद हम जो ये भी हो गया, फिर कुंड, एक छोटा सा कुंड लेंगे, कुंड हो चाहे कुछ भी आपके पास ऐसा बर्तन हो जिसमें हम रोज डेली अंगारी कर सकें। तो हम जैसे डेली अंगारी करते हैं तो उसमें पहले हम थोड़ी सामग्री डाल लेते हैं, और थोड़ी जो करसी जो कंड वो होते हैं उपले टाइप से छोटे, वो हम उसको गैस पे करके उसको अच्छे से कर लेते हैं और फिर उसमें रख देते हैं। और उसके बाद हमें कपूर की भी जरूरत पड़ती है, तो हम जैसे करते पहले हमने जोत जला ली है माता रानी की, फिर उसके बाद सामग्री में करते हैं, लौंग डालते हैं, पंचमेवा डालते हैं, मीठा डालते हैं, कपूर डालते हैं, ये करके हमारी जोत सामग्री वो हो जाती है और हमारी अखंड जोत भी जल जाती है। इस तरह से मैं माता रानी की चौकी की स्थापना करती हूँ। और क्या बचा, ये सब चीजें हो जाती हैं बस, फिर उसके बाद हम पूजा करते हैं। हाँ, पूजा में हम जो नौ देवी के ये चलते हैं नवरात्रे, तो उसमें हम दुर्गा सप्तशती की बुक पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में हम अध्याय जो होते हैं उनको पढ़ सकते हैं और कवच पढ़ सकते हैं। कवच तो हम डेली भी पढ़ना चाहिए, तो कवच हम पढ़ते हैं और कवच करना चाहिए, दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए और क्षमा याचना लास्ट में जरूर करना चाहिए और लास्ट में आरती करनी चाहिए। तो हमें जो अध्याय है ना, एक चीज आपको अध्याय का तरीका और बता देती हूँ कि हम जैसे अध्याय करते हैं, जैसे मेरे यहाँ अष्टमी होती है तो हमें सप्तमी पे वाले दिन जो लास्ट वाला अध्याय है जैसे 13 है, हमें जब उस दिन एंड करना है उस अध्याय का। जैसे कोई कोई होते हैं, हम अगर आपको पढ़ना है तो आप डेली 13 अध्याय कीजिए, अगर वो ना हो सके ना तो आप उसको उस रूटीन में लाए पूरे 7 दिन या 8 दिन जैसा आपको रखना है। लास्ट में हमारा 13 वाला अध्याय बचना चाहिए, उस हिसाब से आप उसको कर लीजिए कि कैसे हमें करना है, जो लास्ट में हमारा 13 वाला अध्याय पढ़े लास्ट में, और उसी हिसाब से आप उसको कंटिन्यूस आप डेली पढ़िए। तो वो हमें जैसे 13 अध्याय होते हैं ना, तो 7 दिन में उसको डिवाइड करके हम देख लेते हैं कितना हमें करना होता है। जिसके 9 दिन के व्रत है तो वो अष्टमी वाले दिन लास्ट वाला अध्याय पढ़े, ऐसे करके हम इनके अध्याय को पढ़ते हैं। अगर वो चीज आप नहीं कर पा रहे हो तो आप डेली भी पूरे 13 अध्याय कर सकते हो, वो बहुत अच्छा माना जाता है जो डेली 13 अध्याय करते हैं। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कोई जॉब करता है तो नहीं कर पाता, ये चीज वजह हम लोग नहीं इतनी देर बैठ पाते, ये हो जाता है। लेकिन वो बहुत अच्छा होता है, माता रानी मतलब बहुत खुश हो जाती है पूरे 13 अध्याय को सुनकर। लेकिन ये चलो जो नहीं हो सके थोड़ा सा ही हम इतना ही कर दें, वो ही बहुत होता है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो बस, और हाँ, माता रानी को माला जरूर पहनाना, माता रानी मतलब खुशबू से खुश हो जाती है। आपके पास इत्र हो थोड़ा सा इत्र भी छिड़क देना माता रानी के ऊपर। तो हम इस तरह से माता रानी की चौकी की स्थापना करते हैं और माता रानी को बुलाते हैं। और माता रानी के भोग में, इसमें भी मैं आपको बताती हूँ, स्थापना के साथ भोग जरूर मैं बताती हूँ, उसमें ऐड करती हूँ। तो हम नवरात्रों में किसी के यहाँ पे अन्न खाया जाता है, होते हैं जो अन्न भी खाते हैं नवरात्रों में, हम लोग फलार करते हैं। फलार मीन्स फलार में कुटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, सामक के चावल, साबुदाने के जो होते हैं साबुदाना, ये सब हम खाते हैं क्योंकि ये व्रत का ही फलार होता है। व्रत वाला नमक यूज करते हैं, काली मिर्च यूज करते हैं, लाल मिर्च का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्च और हरी मिर्च बस, इसके अलावा हम कुछ और यूज नहीं करते हैं। हम उसको देसी घी में छोके या कैसे भी है, और एक रिफाइंड भी बहुत तरह का होता है जिसमें सोयाबीन वगैरह सब अन्न में आ जाता है, तो इसलिए वो सनफ्लावर वाला रिफाइंड यूज करना चाहिए अगर आप लोग रिफाइंड यूज करते हैं तो। अदरवाइज देसी घी में आपसे हो सके तो वो चीज देसी घी में बनाइए, लेकिन जो डीप फ्राई वाला है हम वो काम तो नहीं कर सकते, वो जम जाएगा फिर गले में, तो हमें वो रिफाइंड वो यूज करना होगा, तो हम वो यूज कर सकते हैं। और हमें जैसे हमें दिन में हमें कुछ जैसे नमक का हम नहीं रख पा रहे हैं तो सेंधे नमक का भी खा सकते हैं व्रत का हम, और जैसे हमें वो नहीं खाना है तो हम मूंगफली की गिरी, मखाने वगैरह हम इन्हें तल के खा सकते हैं, चौलाई के लड्डू बना सकते हैं, व्रत वाली मिठाई बना सकते हैं मावे वाली, तो हम ये व्रत में भोग में खा सकते हैं। और पहले माता रानी को भोग लगाइए और फिर आप लोग खाइए, बस यही। और सबसे बड़ा है मन को शुद्ध करना, कभी किसी के मुंह में अपने मतलब ऐसे विचारे ना लाओ कि मन में अपने 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 मन में विचार से मत लाओ किसी के प्रति जो अच्छे नहीं होते। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ माता रानी की स्थापना की मैंने किस तरह से की, एक बार आपको वो भी दिखा देती हूँ। और हाँ, जो न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इतने, ये देखिए माता रानी की मैंने ऐसी ही स्थापना की जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताई है। माता रानी को ये जोत जली हुई है, ये जिसमें मैं सामग्री कुंड है, ये जोत की अलग प्लेट रखी हुई है, उसमें धूपबत्ती प्रसाद रखते हैं,
और ये माता रानी का है। उधर मैंने जो रखे हुए हैं वो चलनी में ढके हुए हैं, जैसे आप लोगों को बताया सेम मैं वैसी करती हूँ। और ये सांझी रखी हुई है मैंने अपनी, शाम को इनकी पूजा होती है सरसों के तेल से, तो इनकी पूजा होगी। और ये भोग भी लगाया माता रानी को, तो बस इस तरह से ये मेरी माता रानी का दरबार सजा हुआ है। हम मैं इस तरह से पूजा करती हूँ, चौकी लगाती हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे ही लगाते हो। और ये मेरा ऊपर का मंदिर है। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ, बाय।